Buongiorno, benvenuto in Italia. Hello everyone. तो हम निकल पड़े अपने 3-month-old बेबी के साथ इटालियन एडवेंचर पे. तो पहला स्टॉप है फॉर श्योर फ्लोरेंस. तो ये रहा हमारा एयरबीएनबी जो कुछ ऐसा दिखता है. तड़ा, ये रहा छोटा सा सिटिंग एरिया जहाँ पे हमने स्ट्रोलर और अपना बाकी सारा सामान रखा हुआ था. ऑफ कोर्स हमारे पास बेबी था तो बहुत सारा सामान था एंड किचन या उसके बाद वॉशरूम एंड दिस वाज द रूम. सेटल होने के बाद वी गॉट फ्रेशन अप एंड देन वी लेफ्ट फॉर आवर डिनर एंड या. तो ये था वहाँ का लोकल पास्ता प्लेस जहाँ पे आपको लाइन में रुक के जाना पड़ता है टेबल का वेट. एंड एक्चुअली इट वाज वर्थ इट क्योंकि ये बेस्ट ट्रफल रैवियोली मैंने अपनी ज़िंदगी में खाई थी ऑनेस्टली. सो या इट वाज रियली अमेजिंग एंड वी वेंट फॉर अ वॉक. एंड रात का माहौल कुछ ऐसा था फ्लोरेंस सेंट्रम में जो हार्ट ऑफ फ्लोरेंस बोल के भी जाना जाता है. तो या रात का माहौल था एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन वी लेफ्ट फॉर एक्सप्लोरिंग. और हमें रुकाया गया इस आंटी ने क्योंकि इनको मीज़ा के साथ खेलना था. फिर आ गए हम सेम स्पॉट पे क्योंकि हम रात में सीधा एक्सप्लोर नहीं कर पाए एंड और सीधा देख नहीं पाए अंदर भी जाके. तो हमें अंदर जाना था बट मीज़ा थी और भीड़ ज़्यादा थी तो इसके कारण हम अंदर जा नहीं पाए. एंड वी वर जस्ट टेकिंग द पिक्चर्स एंड ऑल. एंड बहुत गर्मी थी तो हमें बार बार मीज़ा के स्ट्रोलर में स्प्रे करना होता है वीडियो हाइड्रेट रह सके. एंड देन वी फाउंड दिस फेमस अफगातो प्लेस जो जिलाटो होता है साइड में एंड बीच में अमेरिकानो होता है एंड इट वॉज रियली डिलीशियस एक्चुअली. फिर एक्सप्लोर मोर एक्सप्लोर. तो ये रहे कुछ उनके मेन स्क्वायर्स. एंड दिस वाज वन ऑफ द फेमस फाउंटेन ऑफ फ्लोरेंस. एंड ये था वहाँ का एक म्यूजियम जहाँ पे अंदर स्टैचूज वगैरह रखे हुए थे बट वी वर टू लेट. एंड ये रहा शॉपिंग स्ट्रीट जिसको देख के मेरे हस्बैंड की धड़कनें तेज़ हो चुकी थी. फिर हम ऐसे एक्सप्लोर करते गए एंड देन वी क्रॉस दिस ब्रिज. और ये ब्रिज वहाँ का एक लाइक टूरिस्ट स्पॉट है. एंड या फिर हम चलते गए क्योंकि हमें जाना था यहाँ. और ये रहा वहाँ का छोटा सा लाइक माउंटेन जहाँ पे आपको ये व्यू देखने को मिलता है पूरी सिटी का व्यू. आई मीन सिटी का व्यू देखने को मिलता है. एंड वी वर वेटिंग फॉर द सनसेट जो कुछ इतना प्यारा लग रहा था. एंड या डोंट यू थिंक इट्स मेस्मराइजिंग. या इट वाज. एंड या ये वहाँ की कुछ वाइब चल रही थी. सो फाइनली मेरा वेट ख़त्म हुआ. Time to try this authentic Italian pizza. फिर हम निकल पड़े रोम की तरफ. एंड या हमने ली ट्रेन एंड दिस वॉज आर ट्रेन. एंड मैंने कुछ खाया जो स्पिनच रिकोटा चीज एंड राइस था उसके अंदर. एंड फिर से लाइक ट्रेन में हमें मिला स्नैक एंड वी हैड आवर स्नैक. टू आई थिंक 3 hours की हमारी ट्रेन थी एंड इट वॉज रियली गुड एंड कम्फर्टेबल. एंड ये रहा हमारा रूम का स्टे जहाँ पे हमने स्टे किया था. इट वाज समथिंग गैलरी आई फॉरगॉट. एंड दिस वाज फॉर श्योर द कोलोसियम. यहाँ पे लाइक भूखे जानवर और भूखे लोगों को लड़ने के लिए छोड़ा जाता था एंड लोग उनका लाइक यू नो इट्स लाइक अ तमाशा प्लेस जहाँ पे लोग फाइट देखते थे. एंड या और ये रहा वहाँ का ग्राउंड. तो थोड़ा सा ऊपर चढ़ने के बाद देयर वाज अ चर्च एंड वहाँ से कुछ व्यू ऐसा था. एंड देन या वी लेफ्ट. फॉर आवर डिनर एंड दिस वाज ब्रुचेटा व्हिच वाज
दूसरी जगह गए हम कुछ खाने के लिए, बट मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आया एंड दैट वाज हिज फेस। एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम गए सिटी घूमने के लिए एंड वेटिकन वेटिकन सिटी या या दिस इज वेयर द पोप लिव्स हीज लाइक द किंग ऑफ एंड दिस इज़ आर नेक्स्ट टूरिस्ट स्पॉट। तो ये थी एक रोमन बिल्डिंग जिसको अब चर्च कन्वर्ट कर दिया शायद, एंड देन वी वेंट इन। जो आपको छोटी छोटी विंडो अंदर दिखाई दे रही है ना, दैट इज़ देयर नंबर्स। एंड जो ऊपर आपको एक सराउंड वाली बड़ी सी विंडो दिखाई दे रही है जहाँ से सन लाइट आके छोटी विंडो पर पड़ रही है, सो दिस आर्च इज़ 12, 1, 2 एंड 3। तो तब बज रहे थे 3 बजे दोपहर के। सो फिर हम गए खाना खाने के लिए, जो इंस्टाग्राम पे मोस्ट वायरल जगह थी एक्चुअल में। तो हाँ, हमने खाया यहाँ पे मार्गरेटा पिज़्ज़ा विच वॉज रियली डिलीशियस। एंड फिर टर्न आई द मोस्ट वायरल पिस्ताचियो क्रोसा, एंड ये एक्चुअल में बहुत अमेजिंग था। एंड देन वी लेफ्ट फॉर आर अदर स्पॉट विच वॉज तिरावी फाउंटेन। एंड यहाँ की एक चीज़ बता दूँ जो आपको पीछे पानी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक यूरो की कॉइन लेनी होती है एंड घूम के विश करके आपको पीछे डालना होता है। यहाँ का बस ये लोग करते हैं एंड आई डोंट नो द हिस्ट्री बिहाइंड इट। तो हाँ या एंड देन वी लेफ्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल स्पॉट जो एक एक्चुअल में रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर जगह थी लाइक विद अ गुड व्यू, लाइक इट वाज रियली अमेजिंग। रोम की ना एक स्पेशल बात है, लाइक आप जहाँ पे भी जाओ ना ऐसी वाली फील आती है कि आप 500, 600 या 700 साल पुरानी जगह से आप गुजर रहे हो, वो फील आएगी। एंड हाँ, नेक्स्ट डे हम गए फिर घूमने के लिए एंड वी स्टार्टेड आर डे विद दिस मोस्ट पॉपुलर प्लेस फॉर पास्ता। मैंने खाया कनोची और मेरे हस्बैंड ने खाया पास्ता जिसका नाम मैं भूल चुकी हूँ। एंड या तो ये था हमारा नेक्स्ट डे एंड हम गए शॉपिंग प्लेस और ये था वहाँ की टॉप नॉच शॉपिंग प्लेस। एंड नेक्स्ट था हमारा डेस्टिनेशन स्पैनिश स्टेप्स, और जो वाइट बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है दैट स्पैनिश स्टेप्स, जो बहुत ज़्यादा स्टेप होने के कारण हम नहीं जा पाए, वाई बिकॉज वी हैड अ बेबी स्ट्रोलर। फिर हम थक गए एंड इट्स टाइम फॉर सम ब्रेक। फिर हम गए नीज़ा के लिए कुछ खिलौने लेने के लिए एंड वी बॉट इट। एंड या फिर थोड़ी सी भूख लग चुकी थी एंड वी आर इन रोम, सो फॉर श्योर इट्स पिज़्ज़ा अगेन। तो हमने खाया पिज़्ज़ा, जो मैंने किया था वो बुफलो था और मेरे हस्बैंड का मार्गरेटा बिकॉज द वीगन ऑप्शन और हलाल। एंड नेक्स्ट डे वी लेफ्ट फॉर सोरंटो और ये था हमारा रूम। एंड या इट वाज लाइक काम रिलैक्सिंग, थोड़ा सिटी से दूर, इट वाज रियली गुड। एंड या नेक्स्ट हम गए घूमने के लिए सोरंटो फॉर श्योर। तो ये रहा हमारा रूम से व्यू। तो पहला दिन हमने सोचा कि बस लोकल रहेंगे क्योंकि वी हैड अ जेट लैग एंड लाइक सिटी के बाद थोड़ा सा रिलैक्सिंग टाइम था। तो या वी थॉट टू गो लोकल एंड नेक्स्ट डे वी रेंटेड अ कार। फिर हम चले गए सोरंटो एंड ये रहा टनल। एंड या दिस इज सोरंटो। ये था सोरंटो का बीच एंड लुक एट दिस क्रिस्टल क्लियर वाटर, अमेजिंग राइट।
फिर हम निकल गए सोरेंटो के छोटे से मार्केट में एंड दे हैड रियली गुड चॉकलेट एंड लाइक कुकीज एंड ऑल एंड देन आई ट्राइड देयर जिलाटो जो बुके टाइप में आता है. ये था हमारा डे ट्रिप टू सोरेंटो और फिर हम सोरेंटो के बाद नेक्स्ट डे हम निकल पड़े अमल्फी कोस्ट / पासितानो. तो यहाँ का रोड वाज रियली रियली डेंजरस. तो एक क्रेडिट और शाउट आउट जाता है मेरे हस्बैंड को क्योंकि आई मस्ट से ही हैज़ रियली रियली गुड ड्राइविंग स्किल्स माशाल्लाह. अगर लाइक रोड ना बिल्कुल क्रेजी था लाइक पागलों के जैसा रोड सामने से आ रहे हैं लाइक कहीं से भी वन वे था लाइक इट वाज क्रेजी एंड इनसेन लाइक बहुत ख़तरनाक था. सामने बैठ के मेरा लाइक दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था लाइक आई वाज गोइंग क्रेजी एंड ही नीडेड रियली फोकस देयर. बहुत गंदा वाला रोड था. सीन्स वर अमेजिंग. ड्राइव वर्थ है बट रास्ता चलाना वहाँ पे इट वाज लाइक रियली डेंजरस लाइक really but whatever mashallah we made it and then yeah here we are in Amalfi Coast and this is how it looks like. To yahan aane ke baad humne sabse pehle kaam kiya wo tha hamara khana and humne khaya khana and we ordered some pasta like he got some pepper pasta which some I don't remember the name एंड मेरा वाला था रेवियोली एंड उसके बाद हमने लिया द फेमस लेमन शरबत एंड हम बस व्यू एंजॉय कर रहे थे लाइक इट वाज रियली गुड प्लेस. ऐसा लाइक वो रास्ता भी ना इट्स रियली अमेजिंग लाइक बहुत प्यारा था एंड लाइक पहाड़ के अंदर पहाड़ पहाड़ के अंदर रास्ते पानी इट वाज कूल. एंड फिर हम निकल पड़े नेपल्स की तरफ एंड नेपल्स वाज लाइक सिटी कुछ ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा माफियास होते हैं जैसे कि वो दिखाते हैं ना मूवीज़ लाइक इटालियन माफियास एंड एवरीथिंग एंड या दिस लेट्स कीप दैट असाइड. एंड ये था वहाँ का शॉपिंग प्लाजा और फूड काउंटर. तो हमने कुछ खाया स्नैक. फिर हो गया था टाइम फॉर लंच एंड अगेन वी हैड आर लंच विथ सम गुड पास्ता अगेन. आई नो कुछ ज़्यादा हो गया. ये था नेक्स्ट डे. हम गए पोम्पाई. फिर हमने लगाया ब्रेक क्योंकि हमें मिल गए नहीं सके. और ये हर 5 मिनट में हो रहा था. रास्ते पे चलते जाओ तो हर कोई बताता है कि क्यों नहीं खेलना नीजा से. तो इट वाज लाइक रियली बेबी फ्रेंडली प्लेस. सो हम गए अंदर. तो ये था पहले का एक सिटी जो लाइक ऑलमोस्ट 1000 साल करीबन पुराना था. माउंट वेसुवियस जहाँ से वॉल्केनो एरप्शन हुआ था लाइक वी स्टडीड इन आर टेक्स्ट बुक्स राइट. तो ये रहा जो सिटी जो जल गया था उनमें लाइक इट वाज अ रियली रियली रिच सिटी जो आपको दिखाई दे रहा है लाइक इमेजिन लाइक ऑलमोस्ट 100s or 1000s years पहले इतना सारी एमिनिटीज़ और ये डिज़ाइन लाइक एवरीथिंग सब जल चुके थे. फिर यहाँ का जो मेन था वो था एंटरटेनिंग प्लेस इनका जो कोलोसियम छोटा सा एंड ये था वो. एंड देन अगेन वी लेफ्ट फॉर फ्लोरेंस क्योंकि हमारी फ़्लाइट वहाँ से थी. और ये था हमारा स्टे. तो ये रहा हमारा कमरा एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत सारा पास्ता और पिज़्ज़ा खा के हमें आई घर की याद एंड हम चल गए इंडियन रेस्टोरेंट फॉर श्योर. तो मैंने खाई इडली एंड मेरे हस्बैंड ने खाया कुछ चिकन बिरयानी एंड समथिंग. एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगेन वी हैड लिटिल बिट ऑफ माइल्ड ब्रेकफास्ट.
और हम निकल गए देखने के लिए. एंड दिस वॉज कनोली द फेमस वन. एंड आई ट्राइड सम गुड ज्वेलरी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी. एंड हमने देखा कुछ काइंड ऑफ आर्ट ऑन द रोड एंड थोड़ी सी की शॉपिंग. एंड फिर आया डिनर टाइम एंड वी हैड माई फेवरेट रावियोली ऑन द सेम रेस्टोरेंट जो हम पहले गए थे. एंड दिस वॉज द लुक. 3 दिन का हमारा स्टे था फ्लोरेंस में एंड इट वेंट रियली रियली अमेजिंग. एंड अगर आप और भी डिटेल में हर एक सिटी देखना चाहते हो तो यू कैन गो एंड सी माई मिनी व्लॉग्स. एंड या दैट्स इट. बाय बाय. सी यू.